नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, राजस्थान का नंबर वन चैनल। आज है 21 फरवरी का दिन और बुधवार। राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें शुरुआत करेंगे देश विदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है। किसानों ने 5 फसलों पर MSP का प्रस्ताव किया खारिज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। दरअसल अगले 48 घंटों में होंगे दो बड़े घटनाक्रम। किसानों का दिल्ली कूच तो पंजाब में जुटेंगे SKM के 100 संगठन एक हुए। किसान आंदोलन के लिए अगले 48 घंटे बेहद खास है। अगले 48 घंटों के दौरान दो बड़े घटनाक्रम होने वाले हैं। एक तो किसानों का दिल्ली कूच होने वाला है, तो वहीं पंजाब में SKM के 100 संगठन एक हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इधर सरकार का प्रस्ताव खारिज हो चुका है। किसानों की मांगे जो MSP से जुड़ी 5 फसलों पर MSP का जो देने का प्रस्ताव है उसे खारिज कर दिया गया है। मीटिंग करके रणनीति बनाई जाएगी। आज दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे किसान। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबर की। प्रदेश की बड़ी खबर, देर रात अमित शाह ने 3 मंत्रियों को लगाई फटकार, स्टेज पर खड़ा रखा। बूथ पन्ना प्रमुख की जानकारी नहीं दी तो गृह मंत्री बोले, मंत्री हो इसीलिए समय नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। देर रात गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में बैठक ले रहे थे और इसी दौरान उन्होंने 3 मंत्रियों को फटकार लगाई है। साथ ही आपको बता रहे कि अमित शाह ने खास तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया है। भारत भले ही 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन उसमें प्राण मोदी जी ने फूंके हैं। अब जाकर राजस्थान में भाजपा का लोकसभा के लिए चुनावी अभियान यानी चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत बीकानेर की धरती से कर दी है। बीकानेर, उदयपुर और जयपुर का दौरा करके 9 लोकसभा सीटों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक माफियाओं पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड पटवारी, टीचर से लेकर सब इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन गिरफ्तार। सरकारी स्कूल से लीक हुआ था JEE भर्ती परीक्षा का पेपर। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद पेपर लीक माफियाओं में एक के बाद एक कार्रवाई जारी है। SOG ने अब जूनियर इंजीनियर JEE पेपर लीक 2020 के मामले में मास्टरमाइंड पटवारी हर्षवर्धन कुमार मीणा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सोनिया गांधी राजस्थान से पहली बार बनी राज्यसभा सांसद। BJP ने जीती 2 सीटें। प्रदेश से अभी भी उच्च सदन में कांग्रेस के एक से ज्यादा सदस्य। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से 3 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। नाम वापसी का समय पूरा हो जाने के बाद चुनावी अधिकारी ने 3 प्रत्याशियों के विजय होने की घोषणा कर दी है। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। उन्हें कांग्रेस ने राजस्थान से प्रत्याशी बनाया था। वहीं BJP के 2 प्रत्याशी मदन राठौड़ और सुनीलाल गारसिया भी राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। घोषणा के बाद मदन राठौड़ और सुनीलाल गारसिया ने प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत, इस काम में लापरवाही की तो होगी सख्ती। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड पर हैं। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अधिकारी कर्मचारी जनसेवा की भावना के साथ आम जन की समस्याओं को समझें और समयबद्ध रूप से उनका समाधान करें। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में लापरवाही बरतने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि आमजन को सुशासन के माध्यम से राहत देने के लिए हर विभाग अपने महत्वपूर्ण कार्यों का निर्धारण करें और समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदारी भी तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आमजन को राहत मिलनी चाहिए, विभागों में कार्य निर्धारण करने चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों को लेकर विभागीय अधिकारियों को आमजन की समस्याओं को सुनने को कहा है। उन्होंने कहा है कि निर्देश दिया है कि वो हर विभाग के कार्यों की समीक्षा कर नियमित मॉनिटरिंग करें, आमजन की परियोजनाओं को तुरंत संबंधित विभागों में भेजकर उनकी कार्यवाही करें। उन्होंने विशेष रूप से जिला स्तर, उपखंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर नियमित रूप से जन सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गहलोत की तरह भजनलाल ही करेंगे गृह विभाग की फाइलों पर अंतिम फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह ही अब गृह विभाग की महत्वपूर्ण फाइलों पर अंतिम निर्णय करेंगे। इनमें मुख्यमंत्री राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर से लेकर विदेश में ट्रेनिंग और शैक्षिक सेवानिवृत्ति संबंधी मामलों के फैसले पर CM अशोक गहलोत खुद स्वयं फैसले लेंगे। यही नहीं, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, SFL और वायरलेस विभाग की महत्वपूर्ण फाइलों पर निर्णय भी मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे। उनकी फाइलें गृह राज्य मंत्री ज्वार सिंह के पास नहीं जाएगी।
वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। किसान आंदोलन की आज जयपुर तक पहुंची, 500 ट्रैक्टरों के साथ किसानों का होगा दिल्ली कूच। राजस्थान के किसान भी अब दिल्ली कूच करेंगे। 21 फरवरी यानी आज 500 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर से दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं। किसान पहले जयपुर में एकत्रित हो गए और फिर एक साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राज्य सरकार ने भी सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान 13 फरवरी से आंदोलन लगातार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के किसान आज से आंदोलन शुरू करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर सदर किसान आंदोलन की आस अब जयपुर तक पहुंच गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के 28 स्टेट हाईवे और 7 रेलवे ब्रिज ठीक किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों को भी ठीक किया जाएगा, केंद्र सरकार को भिजवाया प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अब रोड नेटवर्क को ठीक करने का काम शुरू होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD के जरिए 28 स्टेट हाईवे और 7 रेलवे ओवरब्रिज का रिनोवेशन करवाया जाएगा। वहीं 3 नए आरओबी और फ्लाईओवर भी बनेंगे, जो बीकानेर और भरतपुर में बनाए जाने की प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 907 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। दरअसल बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जयपुर दौरे के दौरान ये ऐलान किया था। अब उन्होंने PWD मंत्री दिया कुमारी और PWD अधिकारियों से मुलाकात की है। तब उन्होंने सड़कों की रिपेयर के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भिजवाने की भी निर्देश दिए हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि राजस्थान में अजमेर, हनुमानगढ़, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर, दौसा, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जयपुर समेत अन्य जिलों की स्टेट हाईवे की सड़कों को रिपेयर करवाने का काम भी होगा। इसके लिए 781 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, देर रात होते ही जयपुर में हुई बारिश, दिन भर तेज धूप लोगों ने कुतपाया, जैसलमेर में 48 साल का रिकॉर्ड टूटा। राजधानी जयपुर में दिन भर तेज धूप के बाद रात को मौसम में बदलाव आया। रात करीब 8 बजे के बाद तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 7 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर समेत कई जिलों में बारिश से तापमान में भी बदलाव हुआ है। चूरू में ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं जैसलमेर में बारिश का पिछले 48 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और फरवरी में एक ही दिन में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अलवर, भरतपुर और धौलपुर के साथ ही दौसा और अन्य जिलों में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया है कि इन जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान ओलावृष्टि और बारिश और आंधी होने की संभावना है। करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 27 फरवरी से शुरू होगी ठेकों की नीलामी। 1805 से ज्यादा दुकानों की लगेगी बोली। लाइसेंस रिन्यू के लिए 85 ने भी नहीं किया आवेदन। राज्य में 1 अप्रैल से खुलने वाली शराब की दुकानों की ठेकों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन बिड 27 फरवरी से शुरू हो गई। इस ऑनलाइन बिडिंग में 1800 से ज्यादा दुकानों के लिए बोली लगाई जाएगी। लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाने वाली दुकानों को भी इस नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार ने 2024-25 की आबकारी पॉलिसी में इस बार दुकानों के लाइसेंस को रिन्यू कराने का प्रावधान रखा था। इसके लिए 16 फरवरी तक मौजूदा 6000 दुकान संचालकों को लाइसेंस रिन्यू करवाने का अवसर दिया था। इनमें से 2597 दुकानदारों ने ही लाइसेंस रिन्यू करवाए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अमित शाह ने 3 मंत्रियों को दी टुक, स्टेज पर खड़ा रखा, बूथ पन्ना प्रमुख की जानकारी नहीं दी तो गृहमंत्री अमित शाह बोले, मंत्री हो इसीलिए समय नहीं हो पा रहा है क्या? लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। 25 सीटों के बनाए गए क्लस्टर के तहत बीकानेर में गृहमंत्री अमित शाह की पहली बैठक हुई। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल में करीब 40 मिनट तक चली मीटिंग में अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खियोसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को जमकर फटकार लगाई है। अमित शाह ने जब तीनों नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अमित शाह बोले, मंत्री हो इसीलिए समय नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने करीब 40 मिनट तक मंत्रियों को स्टेज पर खड़ा रखा है। जाते जाते तीनों को तय टाइमलाइन के मुताबिक पूरी रिपोर्ट बनाकर देने को कहा है। मांगा गया है 29 फरवरी तक ये रिपोर्ट मांगी गई है। स्टेज पर 40 मिनट तक मंत्रियों को लगातार खड़ा रखा है। इतना सुनते ही अमित शाह भड़क गए और बोले, आज मोदी जी जम्मू गए हैं, मैं बीकानेर आया हूँ, यहाँ 250 लोगों की मीटिंग ले रहा हूँ। अमित शाह ने कहा कि हम तैयारी में लगे हैं तो आप क्यों नहीं, मंत्री हो इसीलिए समय नहीं हो पा रहा है। 40 मिनट तक स्टेज पर खड़े रहकर 29 फरवरी तक रिपोर्ट देनी होगी, अन्यथा मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। कार्यकर्ताओं से बोले, आपने 2 बार भूल कर दी है, अगली बार भूल नहीं होगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर आगरा हाईवे पर गो तस्करों ने पुलिस पर की फायरिंग। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नंबर 21 पर सोमवार रात गो तस्करों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर डाली। कांस्टेबल पर टक्कर चलाने का प्रयास भी किया गया, जो अभी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह होगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी मुख्य अतिथि, गहलोत भी करेंगे अध्यक्षता। राजस्थान में भजनलाल सरकार सूबे के दिव्यांगों को फ्री में स्कूटी प्रदान कर रही है। भजनलाल सरकार दिव्यांग छात्र छात्राओं को आज 21 फरवरी को स्कूटी देना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के जरिए सरकार की मंशा है कि दिव्यांगों को भी आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। बतौर जिनका शरीर 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, इसके अलावा इस योजना के सिर्फ दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं और स्कूटी प्राप्त कर सकते हैं। 29 वर्ष की आयु के दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में जल्दी मिलेगी सस्ती बिजली, सीएम भजनलाल के प्रयास को मिली सफलता। राजस्थान में सस्ती बिजली लाने के लिए राज्य सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान में 2500 से 3000 मेगावाट क्षमता तक की सस्ती बिजली मिल सकेगी। इसके लिए राजस्थान में केंद्र अलॉटमेंट किया दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ गिरावट। देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के आज बुधवार की डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। इसके अनुसार राजस्थान के सवाईमाधोपुर में पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा सस्ता हुआ है। यहां आपको बता दें कि पेट्रोल 87 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल 25 पैसे सस्ता होकर 97.77 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। प्रदेश के कई शहरों में सस्ता और पेट्रोल डीजल हुआ है, जो कि पैसों के मामले में हुआ है, जिसमें बाड़मेर, बारा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। हर रोज सुबह तय होते हैं रेट, सभी ऑयल कंपनियां हर रोज सुबह तय करती हैं रेट। दरअसल आपको बता दें कि सुबह 6 बजे इसके मामले पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो जाते हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।